दोष की दृष्टि से दोष ही दिखाई देंगे, और जब दृष्टि पवित्र होगी तो हर जगह महाराज पवित्रता का दर्शन होगा। भक्ति के चश्मा से यदि किसी तीर्थ को देखने जाओगे तो वहां पर कण कण में परमात्मा का दर्शन होगा। केवल मनोरंजन के भाव से कथा भागवत में आओगे तो यहाँ पर महाराज लाइट और सारी व्यवस्था ही देख करके रह जाओगे, बाकी कथा पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए जिसके अंदर भक्ति भावना होती है वो हर जगह महाराज भक्ति ही देखता है। ध्यान से सुनना, जिसके अंदर पढ़ाई होती है वो समाज के जितने भी बोर्ड लगे होते हैं सबको पढ़ लेता है, और जिसके अंदर ही पढ़ाई ना है वो बाहर भी नहीं पढ़ पाएगा। है ऐसा कि नहीं? एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, तो बाजार गया, पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल, अंगूठा टेक, हिंदी भी नहीं पढ़ पाता था, लेकिन गया एक चश्मा की दुकान थी, डॉक्टर साहब चश्मा बनवा रहे थे। मरीज आते थे कुर्सी पर बैठते, डॉक्टर साहब कहते अच्छा निगाह कम है बैठो कुर्सी पर, चश्मा का फ्रेम लगाते उस पर लेंस लगाते, बोले सामने वाला पढ़ो। मरीज कहता अभी पूरी तरीका से नहीं पढ़ पाएंगे, डॉक्टर दूसरा लेंस बदलता अब पढ़ो, नहीं नहीं अभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, डॉक्टर ने तीसरा लेंस लगाया, बोले अब पढ़ो। तीसरा चौथा लेंस बढ़िया लगाते लगाते मरीज जो था उसे साफ दिखाई देने लगता, वो पढ़ने लगता। तो कहता कि भाई डॉक्टर साहब कितनी देर में चश्मा तैयार हो जाएगा, तो बता देते कि भाई एक घंटा लगेगा चश्मा आपका बन करके रेडी हो जाएगा, मिल जाएगा, आप पढ़िएगा इससे। देखते ही देखते क्या हुआ, एक घंटा वेट किया उसने, चश्मा डॉक्टर ने बना करके दिया और ऐसे नाक पे उसने लगाया, अखबार लिया और महाराज धड़ाधड़ पढ़ने लगा, और डॉक्टर की फीस उसने दी और पढ़ता हुआ अखबार चला गया। अब जो अनपढ़ अंगूठा टेक जिन्हें हिंदी उन्हें पढ़ने आती, तो भाई डॉक्टर जाए कुर्सी पर बैठ के कहने लगे डॉक्टर साहब एक पढ़ने वालों चश्मा हमारे लिए बना दो। डॉक्टर ने कही बैठो कुर्सी पर, उन्हें बिठाओ, फ्रेम लगाओ, लेंस लगाओ, बोले पढ़ो। पढ़ सकत कछु? तो कहने लगे भाई नहीं पढ़ सकत। डॉक्टर ने दूसरा लेंस लगाया, बोले अब पढ़ो। तो कहने लगे हमारे लिए भाई बात है। डॉक्टर ने वो भी लेंस हटा दिया और बढ़िया लेंस लगाया, बोले अब पढ़ो। कहने लगे नहीं पढ़ी पाई डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने सबसे लास्ट पॉइंट का जो सबसे बढ़िया लेंस होता है वो लगा दिया, बोले अब पढ़ो। तो कहने लगे हम अबहू नहीं पढ़ी पाई। तो डॉक्टर ने कही कहा तुम पढ़े हो? तो कहा लोग अगर पढ़े ही होते तो कहा पढ़ने वालों चश्मा बनवाने होते। डॉक्टर ने कही आंखें की कमजोरी जो होती ना उसकी इलाज होते चश्मा से, आंखों की रोशनी चश्मा से बढ़ जाती है, लेकिन जब तुम पढ़े ही ना आए हो तो तुम्हारे लिए कहते हो VIP चश्मा लगाई दे जाए तारी नाक पे, लेकिन तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। है तो वो कहा लोगो डॉक्टर साहब हम जा सोचे कि जो आदमी आओ तो यहाँ पर पास बैठत एक डेढ़ घंटा माँ पोसे ऐसा चश्मा बनाई देता आदमी पढ़ने लगते, पढ़ने वालों तुम्हें चाहिए रहा है। तो महाराज जो अंदर से पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बाहर बोर्ड में भी लिखा हुआ पढ़ नहीं सकता, नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए जिसके अंदर भक्ति नहीं है जगी तो उसे भगवान का दर्शन नहीं होगा। हर जगह भगवान लिखा है, हर जगह भगवान का दर्शन हो रहा है, परंतु हर कोई पहचान कहाँ पा रहा है। हर भेष में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, सारा संसार सब तुम्हारा ही तो बनाया हुआ है मेरे प्रभु। इसलिए भगवान हर जगह रहते हैं।